सबसे पहले ग्रो को ओपन कर लेना है ग्रो को ओपन करने के बाद यानी कि ग्रो अप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड को प्रकार आ जाएगा यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा प्रोडक्ट्स एंड टूल्स इसमें आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है एफ एंड ओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पर सब आ जाएगा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एक्टिवेट एफ़ एंड ओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर सिलेक्ट इनकम प्रूफ आपको एक देनी है कि बैंक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं सैलरी स्लिप करंट दे सकते हैं आईटीआर एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं फॉर्म सोलह बी दे सकते हैं यानी आपका जो है ट्रांजैक्शन का एक पीडीएफ यानी कि स्टेटमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा जैसे कि आई बनाते समय आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया जाता है उसी प्रकार फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट यानी देनी पड़ेगी चाहे आप स्लिप सैलरी स्लिप दे सकते हैं आई दे सकते हैं या बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं तो हम यानी कि अब बैंक एक, बैंक स्टेटमेंट तो दे सकते हैं वो भी अब कौन सा बैंक होना चाहिए ये नहीं कि आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट को दे का दे सकते हैं आपके पास ए, ग्रो में एक्टिव है स्टेट बैंक को आप दे सक दे रहे हैं यूनियन बैंक की जो है बैंक स्टेटमेंट ये नहीं इस, अगर आपने ग्रो अप्लीकेशन में स्टेट बैंक को लिंक किया है तो आपको स्टेट बैंक का ही आपको यहाँ पर स्टेटमेंट देना पड़ेगा वो भी कितने के छः जून दो से तेईस जून तेईस नवंबर दो हजार तेईस का होना चाहिए यानी कि छः मंथ का होना चाहिए तो यहाँ पर हम इस पर टिक कर देंगे उसके बाद यहाँ उसके बाद उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड एंड अपलोड इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसको ऐड कर देना है यानी कि इस पर आपको टिक कर देना है टिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा जो है पीडीएफ पीडीएफ में यहाँ पर यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो है लाइब्रेरी खुल जाएगी अब आपके सामने जहाँ भी स्टेटमेंट रखा हो उस स्टेटमेंट को आपको सिलेक्ट कर देना है जैसे हमारा ये स्टेटमेंट है हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पर ये सिलेक्ट ऑप्शन है इस पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पर ऐड हो चुका है ऐड होने के बाद हम यहाँ पर आएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जैसे ही हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे आप देख सकते हैं कि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक ओ टी पी यहाँ पर जाएगी ओ टी पी आपको यहाँ पर फिल कर देना है उसके बाद जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कन्फर्म इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है आपका जो है रिक्वेस्ट रिसीव्ड हो चुका है आप देख सकते हैं कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर डिटेल्स यू रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड विद इन ट्वेंटी फोर हावर्स अब ये जो है चौबीस घंटे के अंदर आपका एफ़ एंड ओ ओपन हो जाएगा यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑप्शन ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में एक्सप्लोर जानकारी चाहिए तो यहाँ पर एक्सप्लोर फ्यूचर एंड ऑप्शन इस पर क्लिक करना है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि जब आप यहाँ पर अब फ्यूचर एंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि अभी आपका प्रोसेस ले रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन में 24 घंटे के बाद आपका ये अकाउंट फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया जाएगा जिससे आप यहाँ पर एक ही दिन में यानी कि जो पैसा यानी कि आप दस हज़ार रुपये को लगाते हैं तो कहते हैं कि ना फ्यूचर ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है ये पैसे को डबल कर देता है कुछ ही समय में जो कि हाई रिटर्न्स देता है इसमें काल और पुट करना होता है और ये सही निर्देश और सही समय पर करने पर ही आपको प्रॉफिट मिलती है आप ये बात आप ध्यान में रखिएगा तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का अकाउंट इस प्रकार से बनता है और ये 24 घंटे में ही 24 घंटे के बाद ही एक्टिव होता है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी पैसे को डबल कर सकें चलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय